बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक संत कबीर नगर के बेलौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को अन्न प्राशन कराया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर तैयार है, हम सब इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करेंगे। अयोध्या की छठ पूरी दुनिया में बिखेर रही है। अयोध्या भारत की संस्कृति राजधानी रही है। प्रभु श्री राम ने यहीं से पूरी दुनिया में मानव मूल्यों को स्थापित किया और पूरी दुनिया में उसकी छटा बिखेर रही है। हम सब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक संत कबीर नगर के जिले में लगभग आधे घंटे रहे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और पुनः लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बन करके तैयार है, हम सब पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सामने लोकार्पण करेंगे। और प्रभु राम की नगरी है, ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही है और यहीं से मानव के जो मूल्य स्थापित किए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रभु राम ने, वो पूरी दुनिया में उसकी छटा बिखर रही है और हम सब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। ये संत कबीर नगर जनपद के बॉर्डर के गाँव बिलौली में आए थे, जहाँ हमने जिले की सभी जो केंद्र प्रदेश की जो हमारी योजनाएँ उनकी हमने बिंदुवार समीक्षा की है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिलाधिकारी के साथ बैठ करके सभी अपने जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम हैं उनकी भी समीक्षा की।